हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ वीडियो में है एक खास मेहमान जो खुद एक बहुत अच्छी यूनानी डॉक्टर होने के साथ साथ आगे इसमें एमडी भी परस्यू कर रही हैं। वीडियो का टाइटल और थंबनेल देखकर आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि आज किस टॉपिक पर डिस्कशन होने वाला है। साथ ही मैं चाहूंगी कि डॉक्टर साहब आप हमारे व्यूवर्स को खुद का इंट्रोडक्शन दें। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजिया अहमद। आई हैव डन माय बीएमएस फ्रॉम एसटीटी लखनऊ एंड आई एम परस्यूइंग माय पीजी फ्रॉम अजमेर खान तिब्बिया कॉलेज एएमयू अलीगढ़। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकन ऑल्सो फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड वैल्यूबल इंफॉर्मेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट BUMS कोर्स। आजकल हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक ही बात चल रही होती है, ट्वेल्थ के बाद वो कौन सा कोर्स चूज करे जिसकी हेल्प से वो अपना फ्यूचर को सिक्योर कर पाए। ऐसे में आज इंडिया में वैसे तो बहुत कोर्सेज हैं जिसको ट्वेल्थ के बाद कर सकते हैं, जिसको करने के बाद हमारी लाइफ में आने वाला कल बहुत शानदार और अच्छा हो सके। वैसे तो ट्वेल्थ के बाद कोर्स तो बहुत हैं, पर आज हम आपको BUMS यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी के बारे में बताएं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यूनानी पैथी आज भी इंडिया में खूब प्रचलित है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और इसमें ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? यूनानी पैथी दुनिया की सबसे पुरानी ट्रीटमेंट थेरेपी में से एक है जिसकी शुरुआत ग्रीस यानी यूनान से हुई, इसलिए इसे यूनानी पैथी कहा जाता है। इस पैथी के इन्वेंटर ग्रीस के महान फिलोसोफर एंड फिजिशियन हिप्पोक्रेट थे। यूनानी पैथी मेनली ह्यूमरल थ्योरी, ब्लड, फेलगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल पर बेस्ड है। इंडिया में यूनानी पैथी अरब से आई और जल्द ही इंडिया में बस गई। इसे इंडिया में पॉपुलर बनाने का क्रेडिट हकीम अजमल खां को दिया जाता है। यूनानी पैथी में नेचुरल एंड होलिस्टिक तरीके से पेशेंट के मिजाज यानी टेम्परमेंट के हिसाब से डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसमें नेचुरल रेमेडीज़ का यूज़ होता है पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जिसकी वजह से कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता। ग्रेट, ये तो वाकई बड़े फायदे की बात है कि आज भी लोगों को ऐसा ट्रीटमेंट मिल जाए वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। चलिए डॉक्टर साहब, अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारे व्यूवर्स को बताइए कि BUMS कोर्स क्या होता है, इसमें एडमिशन कैसे ले सकते हैं और इस कोर्स के बाद करियर ऑप्शंस क्या रहते हैं, इसमें स्कोप कितना है, जॉब प्रोफाइल क्या होती है एंड सैलरी पैकेजेस एक्सेट्रा। सबसे पहले बात करेंगे BUMS क्या है। BUMS एक ग्रेजुएट डिग्री कोर्स है जिसको कंप्लीट करने के लिए 5.5 ईयर लगते हैं, जिसमें से 4.5 ईयर कोर्स का टाइम है एंड 1 ईयर की कंप्लीट रोटेटरी इंटर्नशिप होती है, जिसमें से 6 मंथ आपको यूनानी प्रैक्टिस करनी होती है और 6 मंथ आपको मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करनी होती है, जो कि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से कर सकते हैं। BUMS में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं? BUMS में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट के पास 12th में बायो केमिस्ट्री एंड फिजिक्स होना कंपलसरी है और उसके साथ साथ 12th क्लास उर्दू सर्टिफिकेट होना चाहिए। BUMS में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को नीट क्वालिफाई करना होता है। नीट की काउंसलिंग के थ्रू आप BUMS में एडमिशन ले सकते हैं। यदि आपको अजमल खान तिब्बिया कॉलेज AMU में एडमिशन लेना है तो आपको अलग से AMU की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां रजिस्ट्रेशन करना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडेंट्स का एक और ख़ास सवाल रहता है कि इस कोर्स को करने में कितनी फीस लगती है और किन अच्छे कॉलेजेस से इस कोर्स को किया जा सकता है और कौन से करियर ऑप्शंस को चूज किया जा सकता है। अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फ़ी 5,000 to 10,000 पर एनम होती है, और अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो उसकी फ़ी
1 लाख to 1.5 लाख पर ईयर होती है। टॉप कॉलेजेस ऑफ BUMS इन इंडिया। वैसे तो बहुत कॉलेजेस हैं ऑल ओवर इंडिया, लेकिन हम कुछ की ही बात करेंगे, जैसे कि अजमल खां दिव्या कॉलेज AMU अलीगढ़, आयुर्वेद एंड यूनानी दिव्या कॉलेज करोल बाग न्यू दिल्ली, जामिया हमदर्द न्यू दिल्ली, गवर्नमेंट निज़ामिया दिव्या कॉलेज हैदराबाद, गवर्नमेंट यूनानी मेडिकल कॉलेज बिहार, जामिया दिव्या देवबंद सहारनपुर, स्टेट यूनानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज UP, दिव्या कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुंबई, तकमिल उत्तीब कॉलेज एंड हॉस्पिटल लखनऊ। अब बात करेंगे BUMS में करियर ऑप्शंस। करीब 5.5 साल के बाद इस कोर्स को करने के आप एक डॉक्टर के रूप में डिग्री मिल जाएगी। इसकी हेल्प से आप किसी भी जगह जाकर डॉक्टर के रूप में काम कर सकते हैं। आपको बता दें कि यूनानी पैथी आज इतनी मशहूर हो चुकी है कि आज इंडिया में ही नहीं बल्कि फॉरेन में भी इसके विशेषज्ञों की मांग है। यदि आप अपने आप को एक अच्छा प्रोफेशन यूनानी चिकित्सा विधि के जानकार बनते हैं तो आपको फॉरेन में कहीं पर भी किसी भी तरह से जॉब या रिसर्च करने वाले डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो सकता है। आप चाहें तो अलग अलग तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं। आप खुद का क्लिनिक या फिर खुद की बनाई दवाएं के अनुसार अपना बिजनेस बना सकते हैं। चलिए जानते हैं डॉक्टर साहब से कि BUMS के बाद आप क्या कर सकते हैं और आपको कितनी सैलरी मिल सकती है। इसी के साथ हमें ये भी बताइए कि कपिंग थेरेपी और लीश थेरेपी जो स्किन के लिए होती है। BUMS के बाद आप किस तरह जॉब कर सकते हैं और आपको कितनी सैलरी मिलेगी। नंबर 1, पोस्ट ग्रेजुएशन। BUMS कंप्लीट करने के बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल कर सकते हैं। इसको हासिल करने के लिए आपको पहले AIAPGT एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। उसके बाद आप किसी भी यूनानी कॉलेज से MD MS कर सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड 3 ईयर्स होता है और उसके साथ साथ आपको 50,000 to 1 lakh स्टाइपेंड भी मिलता है। नंबर 2, एज अ यूनानी प्रैक्टिशनर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या फिर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है कि आप कितनी अर्न कर लेंगे, और यदि अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसकी स्टार्टिंग आपको 20,000 से होती है। नंबर 3, लेक्चरर। आप किसी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट यूनानी कॉलेज में एज अ लेक्चरर की जॉब कर सकते हैं। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको 25,000 to 40,000 की सैलरी पर मंथ मिलेगी, और अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में लेक्चरर की जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको 50,000 to 70,000 की सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 4, एज अ थेरेपिस्ट। नाउअडेज रेजिमेंटल थेरेपी और इलाज भी तदबीर इज वन ऑफ द पॉपुलर मेथड है ट्रीटमेंट करने के लिए। आप अपने खुद का रेजिमेंटल थेरेपी सेंटर खोल सकते हैं और पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कपिंग थेरेपी। इस थेरेपी के ज़रिए आप अनेक प्रकार की डिजीज़ को क्योर कर सकते हैं। लीचिंग थेरेपी। ये थेरेपी स्पेशली स्किन डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा बहुत सी थेरेपीज़ हैं जिनकी मदद से आप अपना खुद का सेंटर चला सकते हैं और एक बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज आपने जाना बहुत सारी बातें यूनानी मेडिसिन थेरेपीज BUMS कोर्स के बारे में।
इसी के साथ हम डॉक्टर रजिया अहमद के बहुत शुक्रगुजार हैं और इसी के साथ हम विदा लेते हैं आज के लिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।